नरिमन हाउस में सुबह से ही हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ कमांडोज ने अब अपना ऑपरेशन तेज कर लिया है। पता जा रहा है कि यहाँ फिर से फायरिंग हुई। एकता सूरी हमारी संवाददाता रात भर वहां पर कमांडोज की कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। एकता बताइए, वहां पर फिर से फायरिंग की खबरें आ रही हैं, रात भर में यहां पर कई ग्रेनेड हमले भी हुए हैं। जी, जैसा आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, ये मैं कह सकती हूँ बहुत ही साफ है। हमारे कैमरा पर्सन ने रात भर बहुत ही एक खतरे वाली जगह थी, क्योंकि जिस फ्लोर पर ये लोग कैंडिडेट थे हम उसके बिल्कुल 90 डिग्री ऑपोजिट एक जगह पर थी, मतलब फायरिंग होती तो कैमरा पर्सन ने बहुत काफी काम किया है विजुअल्स लेकर। आप देख सकते हैं कि एनएलसी के जो गार्ड्स हैं वो नारीमन हाउस की छत पर उतरे हैं और पूरी तरह से लैस हैं आतंकवादियों से हमला करने के लिए। हेलीकॉप्टर के सवारे उतर रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे गन है जो लगातार लोग फायरिंग कर रहे हैं। और ये मैं बता रही हूँ, ये जो जितने भी मैं शहरी हैं ये जाने पहचाने हैं, मैं रात से यहाँ पर हूँ। ये लोग रात से ही प्लानिंग कर रहे थे, उस एरिया को वेकेट कर रहे थे और उन्हें ये बहुत डर था कि उनकी ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हेलीकॉप्टर के सहारे वो उतरेंगे, किसी भी तरह से किसी को ना पता चल जाए, इसलिए इस बिल्डिंग के आस पास से सबको हटा दिया गया था। सबने जब ये सवाल किया कि हाथ के जो टेररिस्ट थे वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, उनका मुकाबला क्यों नहीं कर रहे, तो वो सब यही जवाब दे रहे थे, आप पेशेंस रखिए, सुबह आपको मालूम चलेगा। और हमें दिख रहा है कि किस तरह से इन्होंने एक स्पेशल हेलीकॉप्टर मंगवाया, उसके जरिए छत पर उतर रहे हैं और कैसे लेकर पूरा नारीमन हाउस एक तरह से कवर कर दिया है और अब नीचे जाने की तैयारी है। हाथों में बंदूकें हैं, गन्स हैं, आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए